आपके समक्ष मैं आया हूँ दो भजन लेके और एक प्रवचन लेके। एक भजन पहले आपको दूंगा, फिर प्रवचन दूंगा और फिर दूसरा भजन दूंगा आपको, तो कोई चिंता न करें। मेरा सबको प्रणाम है, मेरा सतगुरु को, सतपुरुष जी को, आप सब सुनने वालों को मेरे कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें और आइए चलते। साई बाप जाने ले दाम बसो, मेरी उम्र गुजरेगी त्रैलोकी में। साई बाप जाने ले दाम बसो, मेरी उम्र गुजरेगी त्रैलोकी में। साहिबा जग में से भी जन सोए हैं, साहिबा जग में से भी जन सोए हैं, और सब कुछ अपना खोए हैं। साहिबा जग में सभी जन सोए हैं, और सब कुछ अपना खोए हैं। मैं उनको बैठ जगाऊंगी, मैं उनको बैठ जगाऊंगी, तू खिन बर रूप देखा जाना। मैं उनको बैठ जगाऊंगी, तू खिन बर रूप दिखा जाना। सही बाप जाने दाम बसो, मेरी उम्र गुजरी गई त्रैलोकी में। सही बाप जाने दाम बसो, साहिबा पग पग संगन बाजाना, साहिबा पग पग संग निबाजाना, और सच्ची राह दिखा जाना। साहिबा पग पग संग निबाजाना, और सच्ची राह देखा जाना। मैं तेरी ज्योत बन जाऊंगी, सूरज बन रहा देखा जाना। मैं तेरी ज्योत बन जाऊंगी, सूरज बन रहा देखा जाना। साहिबा आप जाने जे दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। साहिबाप जाने जे दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। मैं तेरी आँख की ज्योति हूँ, मैं तेरी सुरति की ज्योति हूँ, दुख सुख में एक सी होती हूँ। मैं तेरी सुरति की ज्योति हूँ, मैं तेरी सुरति की ज्योति हूँ, दुख सुख में एक सी होती हूँ। दुख सुख तो संगी साथी हैं, ये राज हमें समझा जाना। दुख सुख तो संगी साथी हैं, ये राज हमें समझा जाना। मैं तेरी सुरति की ज्योति हूँ, मैं तेरी सुरति की ज्योति हूँ, दुख सुख में एक सी होती हूँ। दुख सुख तो संगी साथी हैं,
सुख तो संगी साथी हैं, ये राज हमें बतला जाना। दुख सुख तो संगी साथी है, ये राज हमें समझा जाना। सही बाप जान दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। सही बाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। मैंने लाखों जन्म बिताए, मैंने लाखों जन्म बिताए हैं, पर किसी लेके नहीं आए हैं। मैंने लाखों जन्म बताए हैं, पर किसी लेके नहीं आए हैं। ये अंतिम जन्म अब मेरा है, बस अंतिम जन्म अब मेरा है। निज दाम का ही तो फेरा है, ये अंतिम जन्म अब मेरा है। अब अंतिम जन्म तन मन का है, निज दाम का ही तो फेरा है। मैंने लाखों जन्म बताए पर किसी लेके नहीं आए हैं। अब अंतम जन्म तन का मेरा है, अब अंतिम जन्म इस तन का मेरा है। निज दाम का ही तो फेरा है, ये अंतिम जन्म अब मेरा है। निज दाम का ही तो फेरा है, सही बाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। सही बाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। मैंने मां चेतन शब्द को पाया है, मैंने मां चेतन शब्द को पाया है, जो सुरत शब्द में समाया है। मैंने मां चेतन शब्द साहिबन सू पाया है, मैंने मां चेतन शब्द साहिबन से पाया है, जो सुरत शब्द में समाया है। जो वस्तु जो सुरत शब्द को पाएगा, जो सुरत शब्द को पाएगा, बिन मांगे अमृत पी जाएगा। जो सुरत शब्द को पाएगा, बिन मांगे अमृत पा जाएगा। जो सुरत शब्द को पाएगा, बिन मांगे अमृत पा जाएगा। मैंने पूर्ण मां चेतन सुरति को पाया है, मैंने पूर्ण सतगुरु मां चेतन सुरति को पाया है, जो सुरत शब्द में समाया है। जो सुरत शब्द को पाएगा, बिन मांगे अमृत पा जाएगा। जो सुरत
सिद्ध शब्द को पाएगा, बिन मांगे अमृत पा जाएगा। सै बाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। सै बाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। जो कुछ भी तुमसे पाया है, सतपुरुष को कह रहा, जो कुछ भी तुमसे पाया है वह माया की ही छाया है। जो कुछ भी तुमने पाया है, संसार को कहता हूँ जो कुछ पाया है ना, जो संभाला है वो माया ही है सर। जो कुछ भी तुमने जग में पाया है, जो कुछ भी तुमने जग में पाया है वह माया की ही छाया है, वह माया ही की छाया है। आ मिल सतगुरु संग बैठ जरा, आ मिल सतगुरु नाम संग बैठ जरा, जे निज गरनो तो जाना ही। आ मिल सतगुरु नाम संग बैठ जरा, जे निज गरनो तो जाना ही। आ मिल सतगुरु नाम संग बैठ जरा, जे निज गरनो तो जानाई। मन साहिबाप जा निज दाम बसो, साहिबाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजरी गी त्रैलोकी में। साहिबाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजरी गी त्रैलोकी में। जो अष्टम चक्र जाने का स्वाथ पर, जो अष्टम चक्र जानेगा मुक्ति की राह को पाएगा। जो अष्टम चक्र जानेगा मुक्ति की राह को पहचानेगा। जो अष्टम चक्र जानेगा मुक्ति की राह को पहचानेगा। सतगुरु चरणन में सर को झुकाना है, सतगुरु चरणों में सर को झुकाना है, उन चरणों में ज्योत को पाना है। सतगुरु चरणों सतगुरु चरणों में सर को झुकाना है, सतगुरु चरणों में सर को झुकाना है, उनके चरणों में ही ज्योत को पाना है। सतगुरु चरणन में सर को झुकाना है, उनके चरणों में परम ज्योत को पाना है। साहिबाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। साहिबाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में। जे निज घर सतगुरु संग जाओगे, जे निज घर सतगुरु संग जाओगे, मान सरोवर मन देव
सतगुरु संग जाओगे। मानसरोवर मन दे जाओगे, उस राबिन अखां जणाई, उस राबिन अखां जणाई, सुरती सू सब कुछ तो कहनाई, उस राबिन अखां जणाई, सुरती सू सब कुछ तो कहनाई, सही बाप जानिज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में, सही बाप जानिज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में, सही बाप जा निज दाम बसो, मेरी उम्र गुजर गई त्रैलोकी में, सही बाप जा निज दाम बसो। प्यारी सत्संग जी, इस भजन में जो रस भरा है उसके विषय में थोड़ी जानकारी देना आवश्यक होता है। भजन को भजन जानना और उसका रस पाना दोनों बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले अंतरे में कहा, साहिबा जग में सभी जन सोए, किस लिए सोए हैं? प्यारे सत्संग जी, जिन भक्तियों को आप कर रहे हो उससे पार नहीं होना। ओंकार भगवान की सीमा में जो भी भक्तियां हैं उनसे तुम चौथे लोक में नहीं पहुंच सकते, उसके लिए पूर्ण सतगुरु पाना ही पड़ता है। और पूर्ण सतगुरु के पास जो दात होती है वो चौथे लोक की खुद सतपुरुष ने दी होती है। कबीर साहब आए थे तो दात सतपुरुष ने दी थी, ये वैनाम आया तो दात सतपुरुष ने दी, किसी गुरुआ की दात नहीं चलती। जो निज घर से आएगा वही इस दात को पाएगा और जग को आग जगाएगा, उसके बिना नहीं जागोगे, नहीं पार हो जाओगे। बाकी जितनी भक्तियां तुम कर रहे हो वो तुम्हें काल से बाहर नहीं आने देंगी। मेरा समझाना काम है, इसीलिए कहा साहिबा जग में सभी जन सोए हैं और सब कुछ अपना खोए खो दिए। तुम आत्मा हो, आत्मा को आत्मा के लोक में जाना है, तुम सुरती और निरती और महाचेतन सुरती से आए हो, अमर लोक से आए। बेगमपुर भी कहते हैं, अंबरपुर भी कहते हैं, सतलोक भी कहते हैं। प्यारी सत्संग जी, आप उस अमर धाम से आए हो, तुम इन तीन लोगों से यहाँ कोई आत्मा का कोई सरोवर नहीं, आत्मा का कोई स्रोत नहीं, यहाँ मन ही मन है। शून्य तत्व जहां तक है वहां मन, इस शून्य तत्व में मन समाया है और ओंकार भगवान मानी। मैंने बोला कि पांच तत्वों की इस ब्रह्मांड में सारी भक्ति हो रही, कोई भी मालिक की भक्ति नहीं कर रहा, पांच तत्व की भक्ति हो रही। इसलिए उठो जागो, तो कहा मैं उनको बैठ जगाऊंगी, तुम खिन भर रूप दिखा जा। सतगुरु कहते हैं बस तू कभी कभी अपनी झलक दे जाना, मेरा हौसला बढ़ा जाना, मैं यहाँ बैठ के लोगों को जगाऊंगा। और मैं लगा पिछले 13 साल से प्यारी सत्संग जी जगाने की पूरी चेष्टा कर रहा, पर तुम हो कि छोड़ने वाले नहीं हो इन तीन लोगों को, जुटे हो पूरी तरह से, चैने तपले ढोलकी ले गए, बात न बने, देवी देवताओं की पूजों से बात नहीं बनेगी, गुरुओं से बात नहीं बनेगी, यहाँ पूर्ण सतगुरु ही आएगा तो बात बनेगी। दूसरे अंतरे में कहता है साहिबा पग पग संग निभा जाना, जब तक सतपुरुष का संग ना होगा मैं क्या कर सकता, पल पल वो मेरा साथ देते हैं, मेरा संग करते हैं, तो मैं आपको जगा रहा हूं। तो कहा मैं तेरी जोत बन जाऊंगा, सूरत
सूरज बन रहा दिखा, सूरज ही है वो पूरी रोशनी तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारी आत्मा जाग जाए तो तुम अंदर से महाचेतन हो जाओ। वो वैनाम शब्द महाचेतन शब्द है तुम्हारी आत्मा को पल में, और कोई शब्द संसार का तुमको जो पांच शब्द है स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार और ओम, ये शब्द तुमको पार नहीं करेंगे। ये काल में ही रखे, ये काल के शब्द है, वेदों में है, ग्रंथों में, इनसे पार नहीं हो जाए। ये देह के शब्द है, तुम्हें विदेश शब्द चाहिए, विदेश शब्द सतपुरुष से ही आता है। लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदेह जीवा पर आवे नहीं निर्क पर के लिए। बोला ना जाए, ये सुरति स्वांसा में डाला जाता है, इसको बोला नहीं जाता। प्यारी सत्संग जी, स्वांसा के द्वारा तभी तुम ऊर्ध्वमुखी हो सकते हो। मैंने कहा ना, ओशो जी ने 9 साल यत्न किया, प्यारी सत्संग जी साधकों को न करवा पाए। ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, सतगुरु के मेल से बात बनती है। तुम्हारी यत्न से मन के द्वारा तुम ऊर्ध्वमुखी नहीं हो सकते। मन कभी ऊर्ध्वमुखी होता नहीं, वो सदा नीचे बहता है। मन नीचे बहता तो विकार है, तभी तो विकार है, ये आपको विकार की तरफ ले जाते हैं। तुम ऊर्ध्वमुखी हो जाओ, विकार छूट जाएगा। ऊर्ध्वमुखी होने के साथ ही विकार खत्म हो गया। मैं आपके सामने बैठा, विकार का एक एक कतरा भी नहीं रहता, वो सारी ऊर्जा तुम्हारी हड्डियों को फिर मजबूत करती है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे दांत पूरे हैं, बॉडी मेरी तंदुरुस्त है, कोई दवाई आदि कुछ नहीं खाता, कभी नहीं खाता। कोरोना के पीरियड में भी कुछ नहीं मैंने लिया ना खाया, खाना बस खाता हूं, बाकी ये चीजें नहीं। मैं मेडिसिन कोई भी नहीं ले, ऊर्ध्वमुखी हो जाओ तो फिर कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम विकारों में जुटे हो तुम ऊर्ध्वमुखी हो नहीं सकते, चाहे शब्द लिया, फिर लिया या ना लिया एक बराबर, फिर वो पंडित ही रह जाते हैं, वो उससे आगे नहीं बढ़ते, फिर वो काकभुशंडी बन जाते हैं। काकभुशंडी देख लो, आज तक काग है और कोई जन्म न मिला, शिव जी ने शाप दिया तो काग ही। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मान बड़े मुनि वर्ग ले, मान सभी को खाइए, मान अपना तजना है, तभी पार होगे, और कोई ढंग नहीं पार होने का। मैं तेरी सुरति की ज्योति हूं, हम उस परम पिता की सुरति की ज्योति है, हम हंसा रूप है, सुरति और निरति हंसा रूप है, हम तन और मन नहीं है, हमारा तन और मन से ये हमारे वस्त्र हैं, इन वस्त्रों को तुम वस्त्र ही रहने दो, तुम ना मन हो ना तन। मन ओंकार भगवान है, तन भी ओंकार भगवान, तन मन एक को जान, ये कोई दो लादा नहीं, पांच तत्व का तन बन। और जो आप पल पल सांसा लेते वो भी पांच तत्व। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पांच तत्व का पुत्र युक्ति रची में की, मैं तोहे पूछूं पंडिता शब्द बड़ा के जी, शब्द की महिमा जान। जीव ये तन की महिमा छोड़ो तो आत्मा की महिमा वही है जो शब्द की महिमा। शब्द जब तुम्हारी सुरति और निरति सब से मिलती है तो महाचेतन हो जाते हो, फिर तुम वही रूप हो जाते हो सतपुरुष। तुम तन नहीं रहते, मन नहीं रहते, सतपुरुष का रूप हो जाते। मैं समझा सकता हूं क्या करूं, फिर दुख सुख एक संगी साथी बन जाते। दुख सुख सुबह और शाम की तरह, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी जो ही तमाम होती है, सुख आते हैं दुख आते हैं, एक आता है दूसरा जाता है, सुख आए दुख गया थोड़ा, दुख आया सुख गया थोड़ा, बस ये धूप और छांव की तरह तुम जीवन व्यतीत करते हो। तो इसी तरह हमने लाखों जन्म यहां बता दी, मेरा भी अब आखिरी जन्म हुआ, मैंने भी तो आप ही की तरह लाखों जन्म बताए, पर अब जागा
लाखों ने करोड़ों ने अरबों जन्म काट दिए, कई क्यामतें हमने देख डाली। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक क्यामत में कई जन्म हो जाते। मानुष तन भी 7 बार मिलता है, बाकी जूनियों में भी जाना पड़ता है 84 लाख, बड़ी लंबी क्यामत। मैंने लाखों जन्म बताए हैं पर किसी लेखे नहीं, जब तक तुम सत नहीं जाना तो किसी लेखे में नहीं पड़े। बिन सत जाने, बिन सत पाए, बिन सतगुरु की पहचान की पार नहीं हो जाओ। इसलिए मेरे वचनों में भी बहुत कुछ है, मैंने लाखों जन्म बिताए हैं पर किसी लेखे नहीं आए। ये अंतिम जन्म अब तन का है, ये तन अब आखिरी है मुझे, इसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं, बस जगा रहा हूं। हो सकता है इसी तन से किसी दूसरे तन में भेज दें, ऐसा कर सकते हैं। अगर उनको लोगों को और जगाना है तो ऐसा होगा, बड़ा कठिन है आपको जगा। आप कोई देवी को पूज रहा है, कोई देवता को पूज रहा है, वो हनुमान जी के साथ लगे हो और बटके हो, दरख्तों को भी पूज रहे हो तो मोर तो छोड़ो, बुतों को भी पूज रहे हो तो छोड़ो, मूर्तों को भी पूज रहे हो, तस्वीरों को भी पूज रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे? तुम्हें इतना भरमा दिया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये अंतिम जन्म, अब अंतिम जन्म इस तन मन का, ये मेरे अंदर तन और मन आखिरी है, इसके बाद मेरे पास तन मन ने दोनों छूट जाएंगे, ओंकार भगवान छूट जाएंगे, ये देवी देवताओं का सारा चक्कर खत्म हो जाएगा। तुम नहीं छूटना आना चाहते, निज धाम का ही तो फेरा है, फिर निज घर जाना है, वहीं से आया हूं वहीं जाना है, और उसकी पहचान हो गई है, हो ही नहीं गई, कई बार गया हूं और आपको जगाने की चेष्टा कर रहा हूं, क्या करूं। अगले अंतरे में बताया, मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, मेरे सतगुरु भी पूर्ण है पर उनके पास दांत सतपुरुष के नहीं। ये भी जब सतपुरुष ने मुझे दी तो मुझे पता चला, ऐसे तो नहीं, मेरे पास ही पूर्ण ब्रह्मांड में सतपुरुष की दांत है और किसी के पास सतपुरुष की दांत नहीं। ये कह रहा हूं आपसे, मैंने पूर्ण सतगुरु पाया, बिल्कुल कोई शक नहीं, जो सुरत शब्द में समाया, लेकिन जो सुरत शब्द को पाएगा बिन मांगे अमृत पा जाए, तो ये सुरत शब्द सतपुरुष के मिलने से सतगुरु को मिलता है, फिर ही वो सतगुरु पूर्ण होता है। सतपुरुष जन जाने तिसका सतगुरु नाम, लिखा है कबीर साहब, सतपुरुष जिन जानिया तिनके ऊंचे बाप, तिनको सतगुरु मानो पर में करामे बाव पार। प्यारे सत्संग जी, मैं पार कराने आया, मैं कोई पूजा पाठ तुम्हें नहीं कराने, पार कराने आया, इन तीन लोगों से तुम्हें निकालने के लिए आया। तुम कैद में हो, तुम कर्मों के जाल में फंसे हो, अच्छे और बुरे कर्मों में फंसे हो, उनसे निकालने। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बाबा नानक ने लिखा, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के, छूटोगे नहीं, छूटोगे जब तक वैनाम शब्द की दात न मिलेगी, छूटोगे, वैनाम शब्द की दात मिलने से ही तुम छुटकारा पा सकते हो। जो कुछ भी तुमने पाया है वह माया की ही छाया है, ये बच्चे बीवी रिश्ते नाते नेता सब घर गृहस्थी सारा कुछ माया। ये जैसे किसी ने पूछा माया की डेफिनेशन, मैंने कहा माया की डेफिनेशन वही है मैग्नेटिज्म, मैग्नेट ही माया। जिस तरह मैग्नेट से कोई चीज अपनी ओर आकर्षित होती है, पैसा भी यही काम करता है, दौलत भी यही काम करती है, इसलिए माया में भी, माया भी मैग्नेट है, बस उसको संभालते हैं तिजोरियों में, पर खुश होते हो नाचते हो। कौन नाचता है? जिसको पैसा मिल जाता है वो नाचता है,
जो अंदर से चेतन होता है चुपके से बैठता है, कोई बीमार है ठीक होने की तरफ है वो नाचता है, नहीं चुप करके शांत होके धन्यवाद कर उस मालिक का, धन्यवाद कर जिसने तुम्हें ठीक कर दिया, जिस सतगुरु से दात पाई उसका धन्यवाद कर। ये नाचना गाना ढोल बजाना ये किसी काम ना आवे, इसका कोई लाभ नहीं। सतगुरु के चरणों में सर को झुकाना है, चरणों में ही ज्योत को पाना है। सतगुरु के चरणों में सर झुकाना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। जिस समय समर्पण करना आ गया, और समर्पण करना बड़ा कठिन काम, कोई पंडित जी है, कोई पुरोहित जी है, कोई कुछ है, बस अपने मान में अटके हुए। जब मान में अटके हो तो फिर समर्पण कहां से, समर्पण नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर सतगुरु का दिया हुआ भी कोई काम नहीं आता। दात पा लेने से बात नहीं बनती, समर्पण होगा तो बात बनती है, बिन समर्पण बात नहीं बनती। इसलिए जिसको झुकना आ गया सब कुछ ही वह पा गया। मान बड़े मुनि वर्गले, मान सभी को खाए, मान तो लोगों का पतन करता है, विकार में ले जाता है। मान कुछ और नहीं करता स्वाय विकार की दुनिया में ले जाता है, या माया के मैग्नेट की तरफ खींचा जाता है, माया के मैग्नेट की तरफ बिकना तीस का काम करती है माया, तो तुम्हारी मर्जी है। जो निजगर सतगुरु समझाएगा मन सरोवर मन दे जाएगा, तुम्हारा थोड़ा सा भी जो मन बचेगा वो मन सरोवर जाना पड़ता है, वहां तुम्हारी अंदर से सफाई होती रहती। जिस समय मन पूरा आपसे खारिज हो जाता है आप अपने घर पहुंचते, निज धाम पहुंचते। और मैं दो बातें आपको निज धाम की सुना देता हूं। मेरे पास यहाँ मेरे बड़े भाई साहब और मेरी जो उनकी धर्मपत्नी मेरी भाभी थी, वो दोनों अब निज धाम, भाई साहब तो सीधे निज धाम गए, मदन भी सीधी गई, लेकिन जो भाभी हमारी थी वो मानसरोवर से निज धाम गई, वहाँ उन्नति करी और निज धाम पहुंची। और दो बातें बता देता हूँ, निज धाम के जो वासी हैं वो आपसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन अगर आप भी उसी दशा में चल रहे हो तो वो आपके पास दो बार जरूर आते हैं। एक आते हैं उस दिन जिस दिन उनका जन्म हुआ इस धरती पर, और दूसरा उस दिन आते हैं जिस दिन उन्होंने स्तन और मन को तजा, उस दिन आते हैं अपने जो बड़े क्लोज होते हैं उनको दर्शन देते हैं, उस दिन आते हैं उनके पास बैठते हैं, पर रात को 3 बजे। कल ही मेरे बड़े साहब भाई साहब की बिटिया बड़ी जो है, वो 3 बहनें 1 भाई हैं, और वो सारे आए हुए थे, तो जो बड़ी बेटी है वो अभी इधर ही है, लेकिन बाकी तीनों अपने अपने घरों की ओर चल पड़े हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि इस तरह आकर बैठते हैं जैसे कि बिल्कुल साक्षात वो बैठे, और आपकी आत्मा भी बॉडी से बाहर आके उनसे बातचीत कर रही होती, उनको यहां तक फिक्र होती है तुम्हारा ये चादर फट गई, ये तुम्हें और तुम्हें लेके देनी है, ये चप्पल तुम्हारी अब टूट गई तुम्हें और लेके देनी है। प्यारी सत्संग जी, कोई नहीं मरता, निज धाम के वासी भी, क्योंकि उसी के पास आते हैं जिसने दीक्षा पाई, दूसरे के पास नहीं आते। बेटे उनके ने दीक्षा पाई है उसके पास भी आते हैं, वो भी अपने दृष्टांत देते हैं। बेटी ने दीक्षा पाई है उसको भी दृष्टांत देते हैं, बाकी दो को कोई दृष्टांत नहीं देते।
इसलिए उनके दृष्टांत से भी बड़ा फल मिलता है, क्योंकि वो निजदाम के होगे, आत्मिक होगे, पूरे सत्पुरुष के पास है, वहां से आते हैं, निजदाम चौथे लोक से आते, तब जाके इतना भरोसा और विश्वास है उनमें जिसकी कोई सीमा नहीं। तो प्यारे सिंह जी, मेरा काम समझाने आप चलोगे, अच्छा नहीं चलोगे, अभी मेरा प्यारा है, लेकिन किस देश में किस बॉडी में मुझे आप भेजते हैं, चार बार तो इसी बॉडी में मैं आ चुका हूं, घटनाएं घटी वापस भेज दिया, घटना घटी वापस बॉडी इसी में भेज दी। अब आप इवन ओंकार के दरबार में भी मिले, बॉडी से गया तो वापस बॉडी में डाल दिया गया, ओंकार भगवान को भी पता होता है कि ये भूत आगे जाना है, इस उनको पता होता है ये आत्मा आगे जाने वाली, उन्होंने भी मुझे बॉडी में वापस भेजा। ये पुरानी बात, कोई कम से कम 15 साल पहले की बात, इसलिए मेरा काम आपको समझाना है। आइए अब हम प्रवचन की दुनिया में थोड़ा दूसरे में चलते हैं। मैं आपके लिए सदा लिखता रहता हूं, ग्रंथों के ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, जिनमें बाकी संतों का भी हवाला होता है, होगा, और जैसे ओशो जी, बाबा नानक, रविदास जी, कबीर साहब, इनका हवाला तो है मेरी किताब, जल के जहां तहां मिलेंगे। इसलिए मेरा काम आपसे प्यारी सत्संग जी ये है, जागो, सत को पाओ और सत हो जाओ, बिन जागे बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। तो जागना कैसे, अब बात आती है कि तुम कैसे जागो। जागना होता है जब आप बच्चे हो, अगर उस समय दीक्षा मिल जाए। इस दीक्षा में ये नहीं कहीं मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, कहीं जाना है, वक्त अपना इसी तरह जाया, नहीं, सिमरन, सिमरन में रहना। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताता हूं, भक्ति में जाने कि सबसे पहली सीढ़ी क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहता है जो नर नारी बच्चा प्यारो अपनी गलती दोष नहीं स्वीकारता, वह अपने आप को कभी सुधार पाता मत जान। बच्चा होके भी अगर पेरेंट्स ने ये आदत नहीं डाली कि बेटा सच बोल, और वो आप भी सच बोलने वाले होने चाहिए, जब तक ये बात नहीं आएगी तुम पार नहीं हो जाओगे। ये सत्य की बात भी मैं आपको बताता हूं। बड़े साहब जी हैं जो निजदाम से होके आए हैं, 5.5 साल की आयु में दीक्षा ली, 6 साल में सब पाली, और आज भी जो कोई घटना स्कूल में होती है, वो इस समय 8th का अब एग्जाम उनका शुरू होने वाला है, आज मैं सत्संग कर भी रहा हूँ, भेज भी दूंगा, क्योंकि फिर वो 4 तारीख से उनके पेपर शुरू है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है कि वो छोटी से छोटी बात भी आकर मम्मा और पापा को सुनाते हैं, और फिर उनसे कहते हैं कि साहब जी से ये राय पूछ, उनको सुना लो, या खुद मुझे सुनाते हैं, कोई बात वो छुपाते हैं, इसलिए झूठ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो झूठ का तो उनको पता ही नहीं, झूठ क्या चीज है, हर बात। इसीलिए सतपुरुष के दर्शन ऐसे नहीं किसी को, सतपुरुष ने उनको खिलाया, ऊपर फेंक के फिर पकड़ा, जैसे मेरे साथ खिलाया, इसी तरह उनसे
तू ऐसे बनने के लिए सत को मत छोड़ो। अगर कोई ये कहे कि मैंने सतगुरु के किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं देना, तो अपने सारे प्रश्नों के उत्तर लेना ये कोई बात मुझे जची नहीं। एक साधक है हमारे, वो जब से मेरे साथ जुड़े हैं वो बड़े प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हमने तो एक ही बार, वो भी खुद नहीं। अब ये काम कैप्टन साहब हमारे करते हैं, उन्होंने को मैंने प्रश्न दो भेजे कि पूछो बाबा इस बात का क्या उत्तर है उनके पास। आगे से कैप्टन साहब को उत्तर मिलता है, मेरे पास कोई उत्तर नहीं और आगे से मुझे प्रश्न नहीं करना। बहुत अच्छी बात। जब आप ये बात कहते हो तो फिर मेरा और आपका रिश्ता कहां रहा? बाप आपसे कहता है बेटा मेरे इस पुत्र, डायरेक्ट कहता है या इनडायरेक्ट कहता है, बड़े बेटे के द्वारा मिडल वाले को कहता है, तो वो ये कह दे मेरे पास ये उत्तर है ही नहीं, फिर वो कैसे पूछ सकता है अपने बाप से कोई प्रश्न या कोई चीज। मैं सारी संगत को कह रहा हूं, मुझे ही बताओ जो मेरा किसी सवाल का उत्तर ही नहीं देना चाहता। कोई कहता है मुझे याद ही नहीं आ रहा, कोई कहता है मैंने उत्तर देना ही नहीं। तो अब मैं संगत से ही कहता हूं कि मुझे रास्ता कोई बताओ, मैं कैसे चलूं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सत कभी ना छोड़ो। और झूठ कभी ना पकड़ो। तो इसमें आया जो नर नारी बच्चा प्यारो अपनी गलती दोष नहीं स्वीकारता प्यारो, वे अपने आप को कभी सुधार पाता मत जान। अभी आप ही बताओ, मैंने दो एग्जांपल बताए, क्या ऐसे बंदों को मैं सुधार सकता हूं? आप ही मुझे उत्तर दे देना, रजनी को उत्तर दे देना कि उनको सुधारने का कोई रास्ता है। अब बचा तो मुझे भी दे देना, या कैप्टन साहब को दे देना, रजनी को दे देना, मुझे दे देना, आपसे सुनूंगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आपका सुधारी तभी है जब आप प्रश्न करने में बड़े तेज हो। 15 साल मैं आपके प्रश्न लेता रहा, 12 साल से समझो मैं आपके प्रश्न लेता रहा, हमने तो एक ही बार पूछा तो उत्तर ही नहीं है, तो रिश्ता कैसा, कौन सा, कौन तोड़ रहा है रिश्ता? आप ही बता दो। मैं संगत को कहता हूं मैं तोड़ रहा हूं कि या वो तोड़ रहे? इसलिए अहंकार भगवान की भक्ति प्यारो, भगत को 3 लोक से पार कराती मत जान, ये अहंकार है। और अहंकार से कभी कोई पार नहीं जाता। देखा, मैंने पहली बार प्रश्न दिया इन लोगों को, पर उत्तर ही नहीं।
और प्रश्न अगर आपको सुनाऊं तो आप हैरान ही हो जाओगे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु होना आसान है। ये कांटों की बाड़ी, ये कांटों के ऊपर बार बार चलना पड़ता है, बड़ा कठिन, ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल। सतगुरु को बड़े कांटे देखने पड़ते, पग पग पर कांटे देखने पड़ते, लेकिन हम कांटे को कांटा ही समझ के किनारे कर देते हैं, ना उस कांटे को कुछ कहना है, जैसा चुभा है वैसे निकालो, एक किनारे रख, बस कुछ नहीं कर। इसलिए ओंकार भगवान की भक्ति प्यारो, भगत को तीन लोक से पार कराती मत जान। ये हंकार आता ही काल भगवान के दायरे में, सत्य के दायरे में हंकार कहां। ये वस्त्र है मोह माया अहंकार, ये वस्त्र है, और दिखावे में दान, दान भी वो देंगे, बड़ा शोर शराबा डाल के दान देंगे, किसी को खाना खिलाएंगे तो बड़ा शोर शराबा डाल के करेंगे। ओंकार भगवान की भक्ति पे ये देख लो, ओंकार भगवान की भक्ति में क्या कुछ, और उनको सुधारना हमारे लिए कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि तुमने लाखों जन्म ओंकार भगवान के दायरे में ले लिए हैं। अब उनको सुधारना, जो आपके अंदर आदतें बन गई हैं कई सदियों से, उनको बाहर निकालने में समय लगता है, और वो सिमरन नहीं करते, उनके अंदर मान होता है, तो वो मान से बैठते हैं गर्दन ऊंची करके, और जो मानी होता है वो बहुत बड़ा विकारी भी होता है, मानी विकारी भी, और विकार भी पतन करता है और मान भी पतन करता है। ये दो कांटे हैं बड़े, जन्म मरण का भक्ति से न, जन्म मरण जा भक्ति से न छूटे प्यारो, उस भक्ति को तजना ही सच्चा काम है। जिस भक्ति से जन्म मरण ना छूटे, उसे क्यों नहीं तुम छोड़ना चाहते, तुम क्यों कौवा बैल गाय कुत्ता चूहा सांप आदि बनना चाहते, क्यों नहीं छोड़ना चाहते। इवन मच्छर मक्खी कीड़ा पतंगा बनना पड़ता है, और कईयों की तो चंद मिनट का जीवन है, वो चंद मिनट में भी दुनिया में आते हैं, बड़े होते हैं, शादी करते हैं और मर जाते हैं, वो भी उनके लिए इतना भी बड़ा होता। पूर्ण मुक्ति जासे जन्म मरण छूटे प्यारो, वही भव पार करावे। पूर्ण मुक्ति भव पार कराती, वो दात है इस गधे भाई के पास। प्यारी सत्संग जी, आप देख लो कि आप कहां पर खड़े हो, तो सतगुरु कैसे तुम्हें पार कराए, तुम्हें कोई रास्ता बताना मेरे को, और वो रास्ता मिले तो रजनी को भेज देना, कैप्टन साहब को भेज देना, पहले कैप्टन साहब को ही भेजो, क्योंकि रास्ता प्रॉपर चैनल से चलना चाहिए। कोई आपको रास्ता सूझे भाई, जो उत्तर ही नहीं देना चाहता, अब उसका क्या करें। कोई ये कहता है मुझे याद ही नहीं, तो मैंने रजनी को अपने दो बचपन की बातें सुनाई, 47 की एक बात सुनाई, जब हम को पैदल चलाया गया, क्योंकि फौजों को था अगर हम इनके साथ गाड़ियां इधर ही ले आएंगे तो ये बड़ा सामान ला देंगे। उन्होंने कहा जो उठा सकते हो, और वो हमको कम से कम 7-8 किलोमीटर चलना पड़ा, बच्चों को भी, लेडीज को भी, जेंट्स को भी, और जितना वो सामान उठा सकते थे इतना सफर करने के लिए वो परमिशन हुई।
तो प्यारे सत्संग जी, मेरी माँ ने जो थाला मुझे दिया हुआ था, मेरी माँ से जब पूछा मैंने एक बार, मैंने कहा माँ तेरे को याद है तूने मुझे थैला दिया था उस समय जब 47 आया, मैं छोटा सा था, मेरे से बड़े भाई थे, मेरी बड़ी बहन थी। वो कहने लगी मेरी मदर के सिर्फ तेरा थैला ही मुझे मिला, बाकी किसी का थैला नहीं मिला, जमीने फेंक दिए कि क्या किया वहां कोई दूसरे की। हाँ इकट्ठे चल रहे थे हम सारे, वो कहते मेरी माँ ने यही कहा और मुझे आज भी याद। और दूसरी बात, जब उस जंगल के एरिए से हम गुजर रहे थे, वहां मैंने एक लाश को पड़े हुए देखा। वो लाश जो थी, क्योंकि वो उन्होंने हमें कोटली से निकलने नहीं देना था अगर, क्योंकि वो रास्ता उन्होंने सारा बंद किया हुआ था हमारे सिविल लोगों के लिए, तो वो आर्मी कुदरती मीरपुर का पुल जो था वो टूट गया, तो आर्मी ने जाना तो मीरपुर था, शायद हमारी लाइफ बची हुई थी, तो वो आर्मी कोटली की तरफ मुड़ी और उन्होंने उस जंगल में जो भी हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठे थे उनसे निपटा। वहां मैंने एक साबान की लाश देखी, मैं वहां 2 सेकंड देखा, वो हमारे घर में दादाजी की या बाकी परिवार की, वो अजामत करने बाल काटने के लिए आता था, उसको भी मैंने वहां देखा, अभी भी उसकी शक्ल मुझे याद आ रही। बास्केट उसने पहनी थी, वही थैला जो वो नाई के पास होता है बार्बर के पास, जिसमें उस्तरा सुस्तरा कैंची डालता है, वो भी थैला उसके कंधे में था। तो प्यारे सत्संग जी, सब याद होता है लेकिन हम सत्य बोलना नहीं चाहते। इतनी मेमोरी किसी की भी खराब नहीं होती, जिसको थोड़े से पीरियड दीक्षा लिए हुए पीरियड में बात याद ना है, लेकिन हम सत्य का सामना कर नहीं पाते, करना चाहिए। सत्य का सामना करोगे तो पार हो जाओगे, नहीं तो काम बिशंडी ने इतना ही किया था, कुछ और तो नहीं किया था। अपने गुरु जब आए तो सभी संगत ने प्रणाम किया, तो काम बिशंडी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। उसने अपने अंदर कहा तो इनसे तो ज्यादा मुझे ज्ञान है, इनसे तो मुझे ज्यादा ज्ञान है, तो मैं क्यों इनको प्रणाम करूं। उसने नहीं किया और शिवजी के मंदिर में बैठा था। शिवजी ने शाप दे दी कि तू एक गुरु का निरादर करने वाला, मैं तुझे शाप देता हूं कि तुम काग बन के रहोगे, ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा पर कागा बन के रहोगे। अभी तक काग भूषणी को कोई और जन्म नहीं मिला, ये शिवजी ने दिया था। और सतगुरु कभी किसी को शाप नहीं देते, पर एक बात है, सतपुरुष क्या किसी का करे मैं नहीं जानता। मैं कभी उनको किसी के लिए शिकायत कभी नहीं करता, कभी मैं किसी को शाप नहीं देता ना दूंगा, पर करनी तो सामने आती है ना, उससे कौन बचेगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल। तुम लोग एक गलती अपने नहीं मान सकते, तो चाहते हो पूर्ण मोक्ष, इतना मान के अपनी एक गलती भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं और उसके साथ झूठ बोल देते हो,
मेरा कोई अभिप्राय नहीं था बोलने का, लेकिन इस प्रवचन में वैसी बात आ गई। सत बोल, सत्य नहीं रहा तो फिर मोक्ष कहां रहा? क्योंकि यहां आत्मा की तीन निशानियां, सत प्रेम और आनंद, ये तीन गुण तुम में आएंगे तो मोक्ष है, तीन गुण ही ना आएंगे तो फिर क्या होगा मैं नहीं जानता। मैंने इतने चिट्ठे पत्रे तो नहीं पढ़े, मैं इतना ही जाता हूं समर्पण, समर्पण पार कराता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, मैं तो साधकों के आगे नदमक्षत हूं और रहा हूं, लेकिन अब दो का नहीं, उनके आगे मैं नदमक्षत अब नहीं करता। जब तक, अब तो टाइम भी खत्म हो गया, सत वो बोल नहीं सकते, सत को वो फेस कर नहीं सकते, तो मैं बताओ क्या करूं? शाप मैं कभी नहीं देता, ना दूंगा ना दिया, कभी 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 किसी को मैं, हां एक चीज कर सकता हूं, बुलाना ही नहीं, बात ही नहीं कर, ना अच्छी ना बुरी, बुलाना ही निकाल सकता नहीं मैं किसी को। वो मेरे पास है कि मैं बोलूं ना, वो अपनी जगह खड़े नहीं, मैं अपनी जगह, वो सरबंध टूट गया। इसलिए बड़े मौके दिए कि सत बोल, पता तो मेरे को सारा होता है, क्या वो चाहते थे, क्या कहानी थी, उनसे सुनना चाहते ताकि ये साफ हो जाए। पर उन्होंने इस चीज को स्वीकार ही नहीं किया। मैंने रजनी को एक और बात सुनाई, फादर साहब अभी बीमार नहीं हुए थे, ठीक थे, अपनी ड्यूटी पर जाते थे, मदर माई ने खाना बनाया, उनको चने, वैसे तो वो चने बड़े पसंद करते थे, पर उस दिन उन्हीं की, मतलब जैसे मुझे पता है, मैं तो बहुत छोटा था, मैं क्या बता सकता हूं, कुछ ही महीनों की बात थी 47 के बाद, जब हम कैंपों में पहुंचे तो वो खाना उन्होंने छोड़ दिया और फेंक दिया, नहीं खाए। मैं छोटा था, पहली बार ये हादसा ऐसा देखा, मेरी आंखों के आगे गुजरा, मैं खड़ा था वहीं पर, और हम तीन ही थे, मदर थी, फादर साहब थे और मैं था। अब मां के पास तो और कोई सहारा नहीं था, वो बेचारी रोने लगी, चुपके से अपनी दो टांगों में अपना सर रखा और बेचारी रोने लगी। अब उसके पास थोड़ा ही कोई पैसे थे, 47 से वहां भाग के आए हुए थे, कुछ था क्या नहीं था उनके पास, तो याद कैसे नहीं रहता मेरे को। तो अभी अभी बिल्कुल ताजा नजर आया कि ये सीन गुजरा और आपको मैंने सुनाया। लेकिन हम ये कहेंगे, मुझे अभी ये जो बात मैंने पूछी थी 7 साल बाद पूछी, देखा 7 साल पहले घटी, वो भी सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओगे, वो नहीं मैं सुना रहा। कोई मुझसे, मेरे से बड़ा कहा गया, और जो कहने वाला भी वो भी मेरा शिष्य वही था, और जिसके लिए कहा गया ये आपसे बड़े तो नहीं कह सकता, बराबर कह सकते हैं, वो भी खड़े थे, जो खड़े थे उन्होंने भी कोई सफाई नहीं दी, और जिन्होंने कहा उन्होंने
आज इनकार कर दिया कि मुझे याद नहीं मैंने कुछ ऐसा कहा, पर मुझे तो बिल्कुल ताजा है। जिसको आप थप्पड़ मारोगे उसको थप्पड़ तो याद रहता है, हाँ थप्पड़ मारने वाले को भूल जाए तो वो तो उसकी अपनी मर्जी है, याद तो उसको भी होता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने तब आपको बात सुनाई कि मैंने सत्य के ऊपर लिखा तो मैं फिर सत्य के ऊपर ना चलूं तो कैसे चलेगा, और जिनको सिखा रहा हूं वो सत्य पर ना चलें एक छोटे से मन के लिए। फिर कैसे संगत चलेगी, फिर कैसे उद्धार होगा, फिर कैसे मैं कुछ दे पाऊं। चलो जैसे किसी की चाह तो कहते हैं पूर्ण मुक्ति जा से जन्म मरण छूटे प्यारो वह ही भाव पार करावे, पूर्ण मुक्ति ही पार कराती है, और पूर्ण मुक्ति पार तब कराती है जब समर्पण। ये नहीं कि शब्द लिया तो गोटा मारा तो तुम पार हो जाओगे, नहीं सर, गोटा मार के पार नहीं होंगे, समर्पण से पार होंगे। समर्पण पूरा, समर्पण में फिर अहंकार नहीं, झूठ नहीं, धोखा नहीं, फरेब नहीं, लालसा नहीं, सिर्फ समर्पण। तेरा भाना मीठा लगे का नाम है समर्पण। जब आप कुछ बनना नहीं चाहते हो तो फिर तो रास्ता संसार है, आपने कुछ बनना है तो फिर वो रास्ता संसार है। मैंने 52.5 साल शिष्य रहा, 52 साल में पूर्ण शिष्य रहा, उसके बाद ये दात मुझे मिली। 52 साल में शिष्य रहा, ऐसे नहीं मिली, कुछ देखा होगा सच पुरुष ने तो दी, और पूरे ब्रह्मांड में यही गदा भाई है जिसको सच पुरुष ने दात दी हुई है। इस समय ब्रह्मांड में एक भी और नहीं कह सकता कि मैंने दात सच पुरुष से पाई, ये गदा भाई कह रहा, और मैं अपने आप को गदा भाई कहता, उसके अतिरिक्त में और कुछ नहीं। वह नाम हूं कि दात उन्होंने दी, इस तन और मन से मैं गदा, कई लाखों जन्म लिए तो गदा ही था, सीधे रास्ते पर न चला। कबीर सब जगह आए तो जरूर कहीं होगा अब पता नहीं मैं क्या मनुष्य था, कौवा था, क्या था, वो भी पूर्ण आए थे, वो भी पूर्ण आए थे, ये गदा भाई भी आपके समक्ष पूर्ण। लेकिन हमारे पास मान, मान बड़े मुनि वर्ग ले, मान सभी को खाए, दरवासा ऋषि जैसे अपनी तपस्या खत्म करे, विकारी नहीं लोगों का जाता। विकार नहीं जाता तो पतन हो जाता, जो जिसके पास सत शब्द नहीं उसके पास विकार बहुत है, सत शब्द से विकार छूटता है और किसी शब्द से विकार नहीं छूटता। सतगुरु वह नाम सतपुरुष से दात पाई प्यारो, उसी दात से पूर्ण मोक्ष मिलता जान, वही सतगुरु कहलाता है जो सतपुरुष से दात पाता है और उसी से पूर्ण मोक्ष है, और किसी शब्द से दुनिया में पूर्ण मोक्ष नहीं। 5 शब्द जो है स्वाम सत ज्योति निरंजन ओंकार ओम और रंकार, रंकार 3 देवते भी रंकार शब्द का सिमरण करते हैं, इनसे पूर्ण मोक्ष नहीं, ये वेदों में भी शास्त्रों में भी, और जितने गुरु हैं उनके पास इनमें से शब्द है वो लोगों को देते हैं। स्वां का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बड़ी गद्दियां स्वां का इस्तेमाल करते हैं, कुछ तू ही निरंकार में तेरी शरण है मुझे बख्श ले उसका इस्तेमाल करते हैं, कोई ओम 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 का इस्तेमाल करते, कोई नारायण 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 का, राम 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 का सिंह, ये शब्द मुख से जो बोला जाए उससे मुक्ति नहीं, सृत शब्द की दात से ही कोई पार होता है उसके बिना,
और जो बेनाम शब्द सतपुरुष ने दिया है मुझे वह सुरती से बोला जाता है। सुरति के दंड से गैर मन पवन को फिर उल्टा चले दर और अधर विच ध्यान लगावे के वीर सो संत निर्भय हो जन्म मर्म का भरम मारे उसे जन्म और मर्म का पूरा भेद मिल जाता है। तभी कहा बिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है झुकना पड़ता दाना जमीन में ना बीज माटी में ना दसे तो कैसे उगेगा ऊपर रहे तो चिड़िया कहाँ खा जाएंगी वही बचे इसलिए वो दाना बच जाता है जड़ा किली ना खुलो जाता है। चक्की जब चलाते हैं ना किली जो सेंटर वाले है जिसको पकड़ के चला रहे हो जिसके सहारे वो घूम रहा है सेंटर में वहां जो दाने होते हैं वहां वो उसको वो नहीं पीसे जाते वो रहते हैं। इसलिए सतगुरु का जो सहारा पकड़ लेते हैं वो बच जाते हैं बाकी तो काल पीस देते हैं। इसलिए समर्पण लाओ सत से बोलने से मत डरो सत बोल दो तो कोई सतगुरु उसका शोर नहीं मचाता लेकिन सत ना बोलो तो बात संगत को तो बतानी पड़ती है नहीं तो कई गलतियां कर देते हैं देखा देख के फिर गलती ही शुरू हो जाती है तो फिर मेरे से दीक्षा लेने का क्या लाभ अगर समर्पण ही नहीं जाएगा तो दीक्षा लेने का क्या मेरे प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देने तो दीक्षा लेने का क्या लाभ मेरी बात ही नहीं माननी तो दीक्षा लेने का क्या लाभ कोई लाभ पूर्ण मुक्ति पाना ही सच्ची भक्ति का लक्ष्य प्यारो जा से तीन लोक में आना छूटे तीन लोग ये परले तराई चौथा लोक अमर है भाई उस लोक के लिए भक्ति करनी है इन तीन लोगों के लिए भक्ति न करो इन तीन लोगों में फिर स्वर्ग में जाओ तब आना है पितरलोक में जाओ तब आना है देव लोगों में जाओ तब आना है नरकों में जाओ तब वापस आना है दुख भोगोगे सुख भोगोगे फिर वापस आना है फिर जन्म इसलिए जन्म मरण से छूटना है तो वैनाम दात के ही इस समय पूर्ण सतगुरु जग में एक ही आता वही पार कराता रहे और तो सब धोखा प्या जग में पड़ा रह जाता है फिर वो जग में खुद भी रहता है और तुमको भी जग में रखता है। इसलिए समर्पण और सत झूठ का कहीं सहारा ना हो तो पार हो जाओगे नहीं तो झूठ ही नहीं छोड़ा तो कैसे पार हो जाओगे नहीं सत ही नहीं आएगा झूठ ना छोड़ा सत नहीं आएगा सत ना आए तो पार प्रेम नहीं आएगा प्रेम नहीं आए तो आनंद नहीं आएगा मजे की बात नहीं है मजा जो है खाने में मजा विकार में मजा पैसे में मजा ये सब मैग्नेट्स हैं इनसे कोई लाभ होने वाला पूर्ण सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया फिर कोई चाह गई चिंता गई सुरती बेपरवाह वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह पूर्ण समग्रता से सतगुरु वैनाम के चरणों में समर्पण ये गधा भाई जो आया इसके चरणों में समर्पण से पार होंगे और कोई रास्ता इस समय नहीं पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण ही पूर्ण से मेल कराता करा सकता जान पूर्ण से मिलो तो पूर्ण से मिलोगे ना सतपुरुष जिसको सतगुरु बनाएंगे वो पूर्ण ही होता पूर्ण पूर्ण को बनाता है तो जो उस सतगुरु से मिलेगा वही पार हो मेरे पास दात सतपुरुष की सतगुरु की भी है और सतपुरुष की है लेकिन सतपुरुष की देता हूं सतगुरु की तो अमानत है मेरे पास कभी उसका भी सिमरन कर लेता हूं लेकिन दो उन्होंने दिए तो वही बड़े सफिशिएंट इसलिए पूर्ण सतगुरु पूर्ण सतपुरुष आया जाना तासे
जो संग करता वही होता पार है, बाकी तुम्हारी मर्जी। स्वांसा उर्दमुखी बैनाम शब्द से प्यारो, समग्रता से डालना करता सब काम। समग्रता, ये समग्रता बड़ा प्यारा शब्द है, इसमें सब कुछ आ जाता है, झूठ ना हो, दगा धोखा फरेब लालसा लोभ मोह अहंकार कुछ ना हो, बस समर्पण हो तो समग्रता, कुछ और ना हो, पूर्ण समर्पण, समर्पण के बिना कुछ और नहीं, बस बात बन जाती है। इसलिए समग्रता, सब बहाने छोड़ के, सब कुछ छोड़ के बस एक सत्य को पकड़ना समग्रता, प्रेम को पकड़ना, आनंद को पकड़ना। सत्य प्रेम और आनंद के बिना कुछ ना बचे तो तुम समग्र हो गए, समर्पण आ गया पूर्ण तरह से। चाह गई चिंता गई सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाहते वो अगे समग्रता। अब वो जो काम करेगा उसमें समग्रता, पूरी लगन है, पूरी श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण प्रेम है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण सत्य है। इतना कुछ एक शब्द में समग्रता में समाया होता है। पर क्या करो, स्वांसा उर्दमुखी में नाम शब्द से प्यारो, समग्रता से डालना करता सब कान, पूर्ण सत्य से शब्द में डालो, फिर देखो क्या होता। पर सत्य तुम ला नहीं पाते, गर्दन झुकाना सर झुकाना आ गया तो सब कुछ ही तुम पागे, सर नहीं तुम्हारा झुकता सत्य इसलिए नहीं आता, सर झुके तो सत्य आ गया, सर न झुके तो सत्य कहां से आया, प्रेम कहां से आया, आनंद कहां से आया। फिर तो तुम मजे ले, खाना खाया बड़ा स्वाद था, दो मिनट के लिए मजा ले, विकार में चले गए दो मिनट के लिए मजा ले, बाद में आदमी पछताता, अंदर खाली खाली लगता है। सार शब्द समग्रता से स्वांसा में डालना प्यारो, सुरती महाचेतन कर जाता है। शब्द को जब स्वांसा में डालोगे और साथ में शब्द तीन तीन मिलता है धारा बने, कौन सा, स्वांसा शब्द और सुरति, तीन को मिक्स करना है तो समग्रता होगी। बस ये तीन जोड़ दो तो सब कुछ पालो, सतगुरु के होगे संसार छूटा, प्यारे के होगे स्वांसा उर्दमुखी होगी, सुरत कमल जाना आ गया, फिर फेरा लगता है निजदाम का, उसके बिना कहां फेरा लगेगा निजदाम। तुम ऐसे लाख यत्न करो बात नहीं बने। कहता है शास्त्री ध्यानी पाखंडी, बड़ा शास्त्री हो बड़ा ध्यानी हो पाखंडी प्यारो, पास कोई संपदा मत जान। पहला ही वर्द आ गया, अगर पाखंडी है शास्त्री है ध्यानी है लेकिन पाखंडी, सत नहीं बोलता, समर्पण कहाँ आएगा फिर पास में। ये तीन बातें हैं तो समर्पण नहीं। आप बड़ा ज्ञान जानते हो, ध्यान में ऐसे बैठते हो बगले की तरह, और पाखंडी पाखंड करते हो, ध्यान में पाखंड जो जिसमें लग नहीं रहा लेकिन तुम बैठे हुए हो आंखें बंद करके बगले की तरह, इसलिए पाखंड साथ है। तो ये शास्त्र ध्यानी सब पास कोई संपदा मत, उसके पास कुछ भी वो खाली, उसको गुरु सदगुरु मानना, धोखे के बिना और कुछ नहीं। और ऐसे लौकिक गतियों के लिए जोर शोर से पड़े रहते, ना मिले तो अपनी क्रिएट कर ले, पहले तो उसी पर हमला करने की चेष्टा करते हैं, वो ना आता है तो फिर खुद ही चला देते हैं कुछ पीरियड के बाद। पर झूठ तो झूठ ही होता है, उसको सत्य कैसे बनाओ।
श्वासा निशब्द सुरती सु ध्यान पिया, श्वासा निशब्द जो दांत मेरे पास है निशब्द है, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विधि वही निशब्द कहलाता है, जिसे हम बोलते। इसी तरह जो सत्पुरुष का शब्द है ये किसी को सुनाया नहीं जाता, सुरती से सुरती को देता हूं मैं, तुम्हारे कानों में सुरती को देता हूं, पकड़। मैं सिर्फ ये करता हूं, तीन बार देता हूं ताकि तुम पकड़ लो, और कोई बात पर सुरती से। और कहता है इससे सारी ऊर्जा ऊपर की ओर चलती, प्यारो कुछ ऊर्ध्वमुख करना ही नहीं, चलती ऊपर, फिर नाभि में नहीं गिरेगी, अपने आप ऊपर चलेगी, यहां से भक्ति शुरू होती है। तो मैंने कहा ना ओशो जी को 9 साल नहीं पता लगा, क्योंकि शब्द नहीं था, वो उनके पास शब्द था, शब्द नहीं था, शाह से था शब्द, 52 अक्षर, ये 52 अक्षर भी 7 चक्रों से आए, मैंने लिख दिया हुआ है, बोलूंगा आगे। ये 52 अक्षर जो है ये सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र है, उन चक्रों से, किसी के 3 शब्द है, किसी के 6 शब्द है, किसी के 4 शब्द है, वो शब्द भी आपको बताऊंगा, चक्कर भी बताऊंगा, मैंने लिख दिया हुआ। तो इसके ऊपर कबीर साहब ने काम किया। तो मेरा आपसे कहना है इससे सारी ऊर्जा ऊपर की ओर चलती, प्यारो सुरती और जागरता इस पल में रखती जान, सुरती और जागरता होश में रह, समग्रता पूर्वक रहना, होश, सारी बॉडी सीधी हो, जागे हुए अंदर से, सोए हुए ना हो, तब समग्रता आएगी, ऐसे नहीं आएगी। और पूरी श्रद्धा पूर्ण विश्वास सतगुरु, सतगुरु को देखना है तो टॉर्च बनना है, निज धाम की ओर देखना है तो दिया बनना है या बल्ब बनना है। सतगुरु के ऊपर एक नगाह डालो पहली तो तुम्हें टॉर्च बन के रहना, जब पूरा फैला हुआ ही दिखे जैसे सतपुरुष का है तो फिर तुम दिया बन जाओ, फिर तुम बल्ब बन जाओ, फिर तुम सूरज ही बन जाओ। पर जब समग्रता लानी है तो पहली सीढ़ी है तुम्हारे अंदर टॉर्च सीधी जाके पड़े, जैसे आप अंधेरे में चलते हो तो आप सीधी टॉर्च मारते हो, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वहां क्या, फिर आगे पीछे देखते हो टॉर्च। इसलिए लालटेन लेके जाते हो वो थोड़ा सा टॉर्च से अलादा काम करती है, दिया लेके चलते हो तो उसका काम चारों ओर फेंकती है। इसी तरह लालटेन भी चारों, टॉर्च एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर। इसलिए जब सतगुरु के चेहरे को देखना है चेहरे तो आपने टॉर्च बनना है, उनके पांव में नमस्कार की धारणा लानी है तो भी टॉर्च बनना है, उनकी ऊर्जा की तरफ ध्यान देना है पहले टॉर्च बनो, बस उसके बाद दिया बन जाओ, बल्ब बन जाओ, सूरज बन जाओ, सारा फैल जाए, पहले टॉर्च बनना। इसके ऊपर ओशो जी ने भी काम किया। मेरा कहना है कि कब तुमने क्या बनना है ऐसा उन्होंने नहीं लिखा, अच्छा लिखा होगा मैंने नहीं पढ़ा। तो टॉर्च सिंगल चीज को पर्टिकुलर एरिया को देखने के लिए होता, दिया चारों ओर देख सकते हो, लालटेन चारों ओर देख सकते, बल्ब चारों ओर देख सकते, सूरज हर ओर देख सकते, इसलिए सूरज बन ताकि तुम पूर्ण सदगुरु के हो जाओ, सूरज बन के चलो। ये छोटी मोटी गलतियों
को फट स्वीकार कर लिया करो सतगुरु के पास, उनको मत अपने अंदर रखो, फिर बड़ी अडंबना है, समग्रता ही नहीं आएगी, ध्यान ही नहीं लगेगा, तो भक्ति नहीं होगी, तो क्या लाभ हुआ शब्द लेने। इसलिए सत लाए बिना कोई रास्ता नहीं। इसलिए मैं बार बार आगाही कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता, मेरे पास जो है वही आपको दे सकता। अभी एग्जाम्पल दी भाई साहब की, ये दो टाइम पाते हैं, शरीर धारा उस दिन आए, शरीर छोड़ा उस दिन आए, बाकी कोई त्योहार शहर से लेन देन नहीं होता, जो निज धाम जाता है। तो देखो अभी उसने दीक्षा लिए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, और तुम मेरी संगत तुम में से तो लोगों ने 12-12 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, वो करगी नहीं इतनी उन्नति, क्या करूं। ये भरोसा तो आपके अंदर खुद आएगा, विश्वास भी आपके अंदर खुद आएगा, मैं नहीं ला सकता। स्वांसा नि शब्द सुरती, ध्यान प्यारो, और सारी क्रियाओं को छोड़ देना सच्चा काम, और कोई क्रिया मत लाओ अंदर, न किसी से बैर लाओ, न विरोध लाओ, न किसी की प्रशंसा लाओ, न किसी की गाली लाओ, बस सबको एक नगाह से देखो तो बात बन जाएगी, सब में वो प्यारा दिखे तो बात बन जाएगी। इसलिए मैं कई बार 9-10 साल के बाद, 7 साल के बाद तुमको याद दिलाता हूं कि अब मान जाओ अपनी गलती, पर तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं, तो मैं आप क्या कर सकता हूं, आप मुझे ही बताओ, कोई रास्ता बताओ। मैं यहां बैठा हुआ कैप्टन साहब को भी कहता हूं, रजनी कोई रास्ता मिलता है आपको तो मुझे बताओ, मेरे पास तो कोई नहीं। हाँ मैं किसी को निकाला नहीं, ना निकालूंगा, ना निकाल सकता। आना आपकी मर्जी है, निकालना मेरे हाथ में है ही नहीं, तुम चले जाओ तो सुंदर, वो कोई रोकेगा, फिर मैं नहीं कहूंगा आओ, तुम चले गए तो सुंदर, किसी और जगह चले गए और सुंदर, घर में बैठ गए उससे भी सुंदर, परंतु मेरे पास आना है तो समर्पण से आओ, समर्पण के बिना आप मुझे दोषी ना बनो। आज भी मैंने नहीं बोलना था बिल्कुल, लेकिन रात को ही कैप्टन साहब का ही उत्तर रजनी को आया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा कहना पड़ा। मैं डायरेक्ट किसी से बात नहीं अब करता, इनडायरेक्ट बात होती है, सारा मैसेज रजनी को पहुंचता है, वहां से मुझे मिलता, और किसी का डायरेक्ट मैसेज में, हाँ मेरे छोटे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे, छोटे बच्चे हैं वो मुझे करें तो मैं उनकी बात सुनता हूँ, क्योंकि वो बच्चे हैं उनके लिए मैं बात समान, वो मुझे बात कोई भी बताते मैं उस पर चलता हूँ, उसकी उसका साथ देता। अब जो बड़े हो गए पेरेंट्स बने, वो नहीं, वो सीधे नहीं मेरे से बात, वो नहीं, वो थ्रू कैप्टन साहब। तो ये मैं आपको सारा बताया कि सत्य के रास्ते पर इससे सारी ऊर्जा ऊपर की ओर चलती प्यारा। देखा जब तुम्हारा स्वांसा नहीं शब्द सुरती तो स्वांस फिर अपने आप ऊर्ध्वमुखी हो, तुमने कुछ चेष्टा नहीं करनी, इसलिए जो दांत मेरे पास है वो ऊर्ध्वमुखी कराती है, उस दांत में शक्ति है वो ऊर्ध्वमुखी कराती, स्वांसा नाभि में फिर नहीं जाती, और वही भक्ति शुरू होती है जब स्वांसा नाभि में ना जाए, तुम्हारी जो है
गले से ही ऊपर चले वापस आए, बल्कि वो यहीं से नासका से ही ऊपर तो नीचे, बस इससे नीचे नहीं जाती, नासका में ही वहीं, और सुषुम्ना खुल जाती, ईडा पिंगला तुम्हारी दोनों चलेंगी, दोनों श्वास से एक साथ चलेंगी। मैं हर सत्संग में आपको बताता हूं, और ये ऊर्ध्वमुखी होना ही भक्ति है, ऊर्ध्वमुखी हुए बिना कोई भक्ति नहीं, ऊर्ध्वमुखी हुए बॉडी से बाहर तुम्हारा पेट खाली हो गया, और उस समय की जो तुम्हारी धड़कन होगी बड़ी नॉर्मल होगी, क्योंकि सुरति और निरति दोनों मिलकर ऊपर की ओर चल रही है, उधर से सर्वांग हृदय के साथ रखा है, जिस तरह स्वांसा के साथ निरति ने रखा है, हृदय के साथ सुरति ने रखा, लेकिन अपना ज्योत अपने ऊपर फेंक रही। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना था, आप समझ जाएं तो बहुत सुंदर है। सुरती का नीचे बहना गया प्यारो, सुरती निरती स्वासा आ गया चक्कर, मैं करती प्रवेश। सुरती का नीचे बहना गया प्यारो, सुरती नीचे नहीं जाएगी, अब बंदा भी पहने जाए, अब ऊपर चली सुरती निरती स्वासा आ गया चक्कर में, अब आ गया चक्कर में तुम पहुंचो, बिना ऊर्ध्वमुखी किए तुम आ गया चक्कर में कभी पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए कुंडलिनी वाले शह शास्त्र सार में जाते, आगे चक्कर में नहीं जाना, क्योंकि आगे चक्कर में सतगुरु बैठता है, वो साधक को आगे चक्कर से सुरत कमल सवा हाथ ऊपर शह शास्त्र सार से ले जाता है, और सतगुरु को ही ताकत है शह शास्त्र सार पर पांव रखने की, आप खुद नहीं जा सकते। शह शास्त्र सार ओंकार भगवान का लोक है, उस सर पर आप पांव रख के नहीं जा सकते, सतगुरु रख सकते हैं, जो पूर्ण सतगुरु ओंकार भगवान ने जिसे सौंपा हो सतपुरुष को, और सतपुरुष ने कबूल किया होता है, वो कहते हैं अब बेटा तू मेरे सर पर, मैं वो सतगुरु हूं इस दुनिया जिसको ओंकार भगवान ने सतपुरुष को सौंपा है, सब कुछ ओंकार का पाया तो सतपुरुष का बना। शास्त्र सार के जितने चक्कर मैंने काटे आज तक किसी ने शास्त्र सार के बारे में कबीर साहब ने कुछ नहीं लिखा, वो सारा मेरे ग्रंथों में आ रहा। इसलिए अगर उस सूरज को देखना है, उस ये सूरज कुछ भी नहीं है शास्त्र सार की सूरज की रोशनी के, उसकी सारी की सारी दीवार ही चारों ओर से गोल्डन येलो, बहुत तीव्र रोशनी, और अंदर जो है वो शुद्ध तत्व, ऐसे बैच ऐसे सॉलिड है जैसे बैर है, उस पर तैर सकते हो। मैं सतपुरुष के साथ वहां तैरा, जहां कोरा पत्थर मिलता है, ये भी आपको बोला, और क्या बोल, आज तक किसी और ने नहीं बताया कोरे पत्थर का राज, ये गदा भाई बता रहा, जो जाएगा वही वहां का राज बताएगा, बिन जाए कोई कह सके, मेरे को कोई ये भी नहीं कह सकता ये कबीर साहब ने इन चीजों को नहीं लिखा, मेरी अपने एक्सपीरियंसेस है वो दे रहा हूं संसार। मैंने सभी लोक लोकांतरों की यात्राएं करी, टाइमिंग भी आपको दिया, इसलिए मेरा आपको समझाना काम है, चलो ना चलो वो आप तक। सुरती का नीचे बहना गया प्यारो, सुरती निरति स्वांसा आ गया चक्कर में, करती प्रवेश है, और आ गया चक्कर में भी जब जाते हो तो सतगुरु मुंह खोलते हैं, आपने मुंह के अंदर दाखिल हो जाना है, और फिर वो ले जाते हैं, और सुरत कमल आठवां अष्टम चक्कर है, वहां आपको बाहर निकालते, फिर सोना सूरज की रोशनी आपको देते हैं, उस रोशनी से तुम निजगर जाते, सोलह सूरज की जिस तरह यह सन है ना, इससे 1615 और सूरज की, और इसकी 16 सूरज की रोशनी तुम्हें मिलती है, जो तुम्हारी वो ऊर्जा तुम्हें ले जाती है निजदाम, वही तुम्हारा क्या है एरोप्लेन, वही तुम्हारा सैटेलाइट, 16 सूरज की रोशनी तुम्हारा सैटेलाइट बनता है, और उसमें तुम बैठ के वहां निजदाम पहुंचते।
सतगुरु में प्रवेशा प्यारो, वह साधक सुरती को सुरत कमल में प्रवेश कराते जाने। सतगुरु के अंदर जाना है, वो मुख खोले होते अंदर, फिर वो आपको श्लोक में ले जाए। तो प्यारी सत्संग जी, ये है ऊर्ध्वमुखी होना। बिना ऊर्ध्वमुखी जितना मर्जी यत्न करोगे काल के दायरे में रहोगे। बुद्ध काल के दायरे में रहे, ओशो जी काल के दायरे में रहे, वेद व्यास जी काल के दायरे में रहे, पलटू जी काल के दायरे में रहे, दादू जी काल के दायरे में रहे, वो बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए मेरा समझाना ही धर्म था। अब आपसे दूसरा भजन का समय नहीं है, एक भजन कर दिया, प्रवचन आपको दे दिया, संगत को भी दो चार बातें दी, वो भी मजबूरी थी, क्या करूं, देनी पड़ती है। और एक चीज़ और बोल दूं संगत को, कोई भी चीज़ फंक्शन जो आप संसारी ढंग से करते हो वो अवॉइड करो। आप बिल्कुल सादे ढंग से कोई भी चीज़ करनी है, वहाँ संगत के बंदे चार होने चाहिए। रिश्ते नातों की इतनी मतलबता हमारे पास नहीं। अगर रिश्ते नाते निभाते हो तो फिर सतगुरु को किनारे कर दो, क्योंकि उससे बाधा बनती है। उनका तौर तरीका और है, संतों का तौर तरीका और है, ये मिक्सचर नहीं की जा सकती। उनके साथ निभाते हो तो ठीक है, वहाँ वही संसारी आए और आप काम कर लो, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जहाँ कोई एक भी साधक वहाँ गया हुआ हो और वो संसारियों के साथ मिलकर उस चीज़ को निभाता है तो वो दूषित हो जाता है। इसलिए मेरा कहना आपसे है, आप चलो न चलो वो आप तक है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आगा करना मेरा धर्म है। और मैं पहली बात वही वापस आके यही कहूंगा, सत्य को न छोड़। कितना भी तुम्हें दुख उठाना पड़े, सत्य को न छोड़। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है, सत्य पकड़ोगे प्रेम आ जाएगा और प्रेम के साथ आनंद भी आ जाएगा। सत्य प्रेम और आनंद आने से तुम आत्मिक हो जाओ, फिर तुम्हारे से गलती नहीं होगी। ये तीन चीजें आने से तुम्हारे पास गलती नहीं होगी, वरना तुम गलती पर गलती करोगे। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहेब जी, सतगुरु सतनाम सत साहेब जी। बाबा सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी सुनने वाले चाहे मेरे दीक्षित होंगे या नहीं, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे मेरे प्रणाम को कबूल करें और सत्य प्रेम और आनंद की दिशा की ओर चलें। बाकी झूठ कपट छल छोड़ें, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं। बस इतना ही कह के आपसे क्षमा चाहूँगा और अगले सत्संग फिर आ जाऊँगा आपके समक्ष कुछ बोलने के लिए। मेरे से अगर कोई भूल हुई हो तो प्यारी सत्संग जी, छोटा बच्चा समझ के मुझे क्षमा कर।